तो आप ग्लास पेपर से भी ले लेते हैं, ठीक है। माइक्रोमीन छोटा होता है, आपने जब छोटी क्वांटिटी थोड़ी क्वांटिटी में आपने लेना है तो आपने माइक्रो पेपर इस्तेमाल करना है। जैसे 10 माइक्रोलीटर लेना, आपने 20 माइक्रोलीटर लेना, 30 40 50 माइक्रोलीटर लेना है, तो वो माइक्रो पेपर यूज़ करनी है। ठीक है। इसके बेटा ये दो बटन है, इसके एक रेड बटन है, एक दूसरा ब्लैक बटन है। ठीक हो गया। ठीक है। इस ब्लैक का मतलब है कि जो आपने नीचे टिप लगानी है इसके, ठीक है, वो ये पड़ी है हमारे पास टिप, मैं आपकी दिखाता हूँ। ठीक है, ये छोटी जो है होती है, वो आपने इसके नीचे लगा के ऐसे, ठीक है, इसमें से आपने सीरम लगाना होता है। ठीक है। किसी भी टेस्ट में डालने के लिए जो यहाँ से स्केल दिया हुआ है, इस स्केल से आपने सेटिंग करने, ये फोर है, फोर पे आके लेंगे, फोर टेन से मल्टीप्लाई करेगा तो इसका मतलब 40 माइक्रोलीटर होगा। सिक्स पे लेके आएंगे तो 60 माइक्रोलीटर, अगर टेन पे आके टेन से मल्टीप्लाई करेगा तो 100 माइक्रोलीटर होगा। तो ये आपने ऐसे इसको प्रेस करके, इसको मूव करके, तो आपने इसकी सेटिंग करनी है, जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है आपको लेके आना, टेन करने से पहले लेके आना होगा। हाँ जी, वो सेट करनी है आपने, आपने 100 माइक्रोलीटर ना, तो इसको प्रेस करके आगे वाले से क्या सेट होता है, ये वाला है ना, इसको मूव करना है ना, माइक्रोलीटर कितना, इससे इसका मूव लेवल करके इसका लेवल लेके आना है इसका। ठीक है। तो आपने इसके लेवल पे ला के इसको, ठीक है, तो आपका 20 आ जाएगा, ये 20 पे आपने आ गए हैं, तो आपने 20 मिनट लिखे, आपने इसको करना है डिप करके सीरम में, जो आपने सेंट्रीफ्यूज किया हुआ उसमें से डिप करके इसको प्रेस करके डिप करना, रेड बटन प्रेस करके डिप करना, प्रेस करके डिप करना, जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वो उतना सक कर लेगा, सही 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 सेक करेगा। अब आपने टी वाले टेस्ट ट्यूब में आपने इसको जाके प्रेस करना है तो वो उसमें सीरम डाल देगा, ठीक है, फिर इसको दबा के ऊपर छोड़ना ताकि इसमें दोबारा ना वापस आ जाए, ठीक है, ऐसे दबाए रखना, फिर बाहर निकालना, फिर हाँ जी, दो तीन दिन हमें ऐसे इसमें दबाना ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए, उसमें मिक्स हो गया, फिर खाली दबा के ऊपर उठाना ताकि उसमें कुछ ना हो, वापस लें बाहर। अब दूसरे टेस्ट के लिए आपने यूज़ करनी है, तो इसको हमने ब्लैक बटन, जब ये गंदी होगी ना, अब हैंड नहीं लगाना चाहते हम इसको, तो हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये क्या रिलीज कर देगा, ठीक है, ठीक है, सही लगानी कैसे, वैसे ऊपर चढ़ा देनी है ऐसे, चलो सही होगा, ये इसके ऊपर लगानी होती है, इसको हमने ऐसे ब्लैक बटन से इसको नीचे उतार देना, अब नई टिप पकड़ेंगे हम इसके, फिर सेट कर लेंगे दूसरे टेस्ट के लिए इस्तेमाल। अच्छा, ट्यूब के बगैर भी कर सकते हैं, इसके बगैर तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें से सीरम सक कर, ये नहीं लगाएंगे तो सक कैसे करेंगे, इसलिए टिप का लगाना ज़रूरी है, तो ये लगा के फिर इसको आपने प्रेस करके इसमें सक करना है, फिर इसको आपने रेल करने के लिए इस्तेमाल करना है, फिर नहीं लगानी है, ये माइक्रोफोन का।